अरे आज तो अभी तो हमने वन लाइनर किसी को भी नहीं दिया है कमेंट बंद करो ये पढ़ते लिखते हैं नहीं बच्चे फिर मतलब वन वाल लाइनर वाला अभी पूरा हुआ ही नहीं सब प्लीज वन लाइनर दीजिए वन लाइनर हमें भी दीजिए हमें भी दीजिए इन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चे ऑफलाइन में आए ना मैं स्वागत में आते ही रसगुल्ला खिला रहा हूं अब भाई ये तो हमने तो सबको बोला भाई जिसकी इच्छा कोई भी आ सकता है लेकिन यहाँ भाई रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी हम तो सबको ही देंगे इतने बच्चों को पढ़ा रहे भाई लेकिन तैयार हो तभी तो देंगे आज तुम्हारी टोपी कहां है किसे पहना के आए आज शुरू किया जाए जी चले जी, तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ़ ट्रांसमिशन लाइन फिर कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि लोड फ्लो से संबंध रखती है लेकिन सवाल पूछे गए हैं तो उसको लिखेंगे जरूर मेंशन जरूर करेंगे आप जो बता रहे थे ये भी इलेक्ट्रिकल डिजाइन में बेटा आपको कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आपको देखना है इसके इफेक्ट क्या होता है ठीक है जी तो ये आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल डिजाइन और ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस में आपको सिर्फ सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन किसके दूरी के आधार पर कैसे कर रहे हैं हम तो लोग कौन कौन से मेथड है यहां से भी सवाल आया है सर्ज इम्पिडेंस और सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग से लास्ट टाइम तो चलिए जी शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तो हमारा उद्देश्य देखे इसमें क्या है हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर एल और सी तो सबसे पहले देखे बेटा जब हम ट्रांसमिशन लाइन के बनावट की बात कर रहे हैं जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन की बनावट की बात करते हैं तो ऐसा कोई वायर नहीं जिसमें बेटा रजिस्टेंस ना तो कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टेंस में कोई ज्यादा कुछ जुगाड़बाज़ी नहीं है सिंपल नॉर्मल अपना फॉर्मूला आर बराबर रो अपॉन है, है फिर आप ये देखते हैं कि देखिए इंडक्टेंस कहाँ से आता इंडक्टेंस का जो बेसिक फार्मूला होता है बेटा ये होता है कि फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट आए अभी लिखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में इसी ट्रांसमिशन लाइन में हमें इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है फिर देखिए जब दो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक दो कंडक्टर किसी दूरी या इंसुलेटर से अलग किए जाते हो तो वो कैपेसिटर बन जाता है अब ट्रांसमिशन लाइन में एक कंडक्टर तो होता नहीं है भाई तो कंडक्टर टू कंडक्टर हमें कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा साथ ही कंडक्टर से न्यूट्रल के बीच में भी हमें कैपेसिटेंस देखने को मिलता है तो दो तीन चार चीजें हैं देखिए इन चार चीजों को लेकर चलिएगा कि जब आप इलेक्ट्रिकल डिजाइन और ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो आपके पास बेटा चार पैरामीटर होता है तो देखिए जी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसमिशन लाइन के लिए मुख्यतः चार पैरामीटर होते हैं मुख्यतः चार पैरामीटर होते हैं एक होता है बेटा प्रतिरोध जहां प्रतिरोध हो गया वहां क्या चालकता चालक तो बोले तो कंडक्टेंस ये क्या है बेटा ये है रेजिस्टेंस फिर होता है इंडक्टेंस फिर होता है कैपेसिटेंस आप हल्के में मत लेना इसे बेटा ये ये चारों पेपर में आ चुके हैं कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं तो चार पैरामीटर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में अब हमेशा याद रखिए बेटा इन चार पैरामीटर को देखे किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोध प्रतिरोध तथा परेरक्तो इंडक्टेंस बोले तो परेरक्तो कैपेसिटेंस बोले तो धारिता प्रतिरोध तथा था सदैव सदैणी में जुड़ते हैं तथा चालक तो वह समांतर में जुड़े होते हैं समांतर में जुड़े होते हैं जब बेटा ट्रांसमिशन लाइन के हम इक्वलन सर्किट जैसे बनाते हैं तो याद रखिएगा कि R और L को R और L को सदैव शरीर में जोड़ा जाता है और बेटा जैसे हम लोगों को चालकता और धारिता दर्शानी होती है तो इन्हें बेटा इस तरीके से लगाते हैं बनाइए जी आपके पहले क्लास है अब तो मैंने मना कर किया यार इसमें बैठाने को इससे पहले आप सब खत्म करके आए हैं ऐ मैंने तो मना कर दिया इसमें ना दस क्लास क्लास शायद हम तीस पैंतीस कितनी ले चुके हैं ना थर्टी फोर कब तक ख़त्म करेंगे आप इन्हें तीन चार दिन में कर लेंगे तो मैंने सर को भी जो एडमिशन करते हैं, मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि जो बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा शुरुआत से उसको नहीं अलाउ करें। अब तो क्लास में आ गया दोस्त तो तीन चार दिन में खत्म कर लेना देख ले चले बेटा तो देखिए प्रतिरोध को हम लोग कैसे ले प्रतिरोध वही आर बराबर जैसे हमारे पास में कोई चालक होता है उसका जो प्रस्त क्षेत्रफल है वो ए दिया हुआ है और जो इसकी लंबाई है दिया तो आप क्या लिखेंगे आर बराबर रो A ए ओ. यही तो हो गया प्रतिरोध को नापना या प्रतिरोध को लिखना ट्रांसमिशन लाइन के कोई बड़ी बात नहीं है आर बराबर रो अपॉन ए लिख लिया आगे चले नहीं लिखा गया थोड़ा रह गया ले भाई हो गया भाई चले नेक्स्ट चलते हैं इंडक्टेंस प्रेरक्तों के फॉर्मूला लिखिएगा हम लिखते हैं इंडक्टेंस बराबर में फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट ये फॉर्मूला लिखते है बेटा फ्लक्स लिंकेज का मतलब होता है कि टर्न जब भी हम कोई बाइंडिंग डिजाइन करे कोई कंडक्टर ले कि टर्न फ्लक्स को किस प्रकार से काट रहा है उसे कहते हैं हम लोग फ्लक्स लिंकेज तो फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होता है याद रखिए इसे लिकेज नहीं लिंकेज फ्लक्स को काटना ये होता है एन फाइव और यूनिट होती है वेबर बेटा यूनिट होती है वेबर टर्न तो एल बराबर में एन फाइव बाई आई अब देखिए इंडक्टेंस की यूनिट हम लोग हेनरी पढ़ते आते हैं है ना एग्जामिनर ने इस बार हेनरी ना देखे कुछ और पूछ ले तो देखिए ये होता है वेबर टर्न पर एम्पियर अब जैसे इंडक्टेंस के लिए बेटा हम हेनरी पढ़ के आते हैं तो याद रखिए ये भी पूछ सकता है कि हेनरी किसके बराबर है तो हेनरी बराबर में वेबर टर्न अपॉन में एम्पियर ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है भाई आगे बढ़े चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए इंडक्टेंस का कैलकुलेशन करना सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए कैलकुलेशन करनी है इंडक्टेंस देखिए डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन हमें दो पेज की पड़ती है अब यही यही बच्चों को तो मजबूरी होती है कि प्रॉपर डेरिवेशन करवानी पड़ती है आप लोगों के लिए मजबूरी नहीं है बेटा हमारे पास में लाइन में ये दो कंडक्टर है इन कंडक्टर की जो दूरी दी गई है लाइन में दो कंडक्टर बेटा और उनके बीच की जो दूरी दी गई है वो डी है और इनके जो त्रिज्या रेडियस का है वो आर है ठीक है भाई तो इसमें हम लोग किसी भी एक वायर का इंडक्टेंस लिखते हैं देखो करंट ये तो आपको पता होगा अगर इसमें आईए है तो इसमें माइनस क्या आईए होगा अरे दो तार होते हैं भाई करंट गया लोड है इस वाले से वापस आ गया यही तो प्रोसीजर है तो अगर इसकी दिशा ये देखें तो इसकी दिशा ये है अगर ये दस है तो ये माइनस दस है तो सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए इंडक्टेंस इंडक्टेंस पर फेज या इंडक्टेंस पर वायर एक तार पर इंडक्टेंस देखिए भाई कितना होगा एल बराबर में टू इंटू टेन के बार माइनस सेवन वन बाई फोर प्लस लॉग ई डी बाई ये सूत्र आता है न्यूमेरिकल का कोई चांस इसलिए नहीं क्योंकि लॉग ई का मान आपको पता नहीं होता बिना कैलकुलेटर के लॉग ई e, आप निकाल नहीं सकते तो न्यूमेरिकल का कोई चांस नहीं है अब इससे देखिए पेपर में क्या फंसता है उस पर भी बात करेंगे ये बेटा एक वायर के लिए है अगर दो वायर के लिए लिखे तो तो दो से और गुणा करनी पड़ती ना तो ये हमारा अभी एक वायर के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है अब इसे जब एक के बारे में पता है दूसरे के बारे में लिखना हो मान लिया दोनों के बारे में तो दो से गुणा कर दो तीन के बारे में लिखना हो तो तीन से गुणा कर दो चार के बारे में लिखना है तो चार से गुणा कर दो तो इसकी यूनिट होती है इसकी यूनिट होती है बेटा हेनरी पर मीटर लेंथ मतलब पर मीटर लेंथ ये एक मीटर के लिए है अगर लाइन की लंबाई स्मॉल एल मीटर दे दी जाए तो इसे एल से गुणा कर दी जाएगी लाइन में बेटा जो इंडक्टेंस होता है वो लंबाई के सदैव समानुपाती होता है एक वायर के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है क्या लिखा 2 इंटू टेन की पावर माइनस सेवन ब्रैकेट वन बाई फोर प्लस लॉग डी बाई आर देखिए इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं जब हम लॉग ई को सॉल्व करते हैं तो इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका देखिए क्या होता है इसी को लिखने का दूसरा तरीका है एल बराबर टू इंटू टेन पावर माइनस सेवन लॉग इ जबरदस्ती डीएम बाई डी एस अच्छा जी अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव ये है आपने कुछ शब्द सुने होंगे सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी देखो म्यूचुअल शब्द का हिंदी में मतलब होता है किसी अन्य से प्रभाव होना Mutual, किसी दूसरे से सेल्फ का इनमें मतलब होता है स्वतः है, अपने आप में तो यहां से दो चीजें हैं फुल फॉर्म भी जरूरी है भाई यहां तक लिख लिया आपने लिखो लिखो इसे बच्चे सो के नहीं उठते सुबह सुबह नींद के ज्यादा बेचारे थोड़े जे कुछ नींद होगी कुछ पेट का एग्जाम हो गया है कौन-कौन से छोड़ चुके कहा हुआ पैट का? ये तो हर छह महीने में हो जाता है अच्छा एनडीए वाला होता है छह महीने में वैसे जब बच्चों को बाद में फॉर्म भरवाना ही है और बाद में फिर परीक्षा लेनी ही है इसका लॉजिक क्या लगाया? नहीं देखो ये लेखपाल का फॉर्म आएगा पेपर तो देना ही पड़ेगा ना बिना पेपर के चले जाते हैं पैट के थ्रू देना पड़ेगा पेपर तो कहेगा इसका फ़ायदा क्या हुआ कॉमन पेपर तब लेने का बेनिफिट था तब कॉमन पेपर के नंबर के आधार पर जहां जरूरतें होती वहां रिक्रूटमेंट होता तब पैसे की बचत होती सरकार की भी और बच्चे की भी ये तो एक्स्ट्रा लोड आ गया इससे क्या फायदा है जैसे एक बार ये चर्चाएं चली थी और होना चाहिए जैसे आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर छः महीने में आपका एक एग्जाम कॉमन एग्जाम होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का जैसे मैकेनिकल का आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई का एक कॉमन हर छः महीने में एक पेपर होना चाहिए उसमें मेरिट के आधार पर प्रायोरिटी पूछ लीजिए मान लिया सब विभाग में मिला के पाँच हजार भर्तियां थी पांच हजार बच्चों को आप शॉर्ट लिस्ट अपना कर लीजिए पचपन सौ को कर लीजिए अपना उनको अपना अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना भेज दीजिए जैसे यूपी का है तो पूरा यूपी एक करवा सकता है उत्तराखंड में तो जरूरत ही नहीं कराने की क्यों यहाँ भरती नहीं आती ऐसे ही पूरा स्टेट का छोड़ो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है तो एक तो सरदर्दी से बच जाएगा कि इस इस हफ्ते इसका पेपर देने में समय बर्बाद है पैसा भी लगेगा फॉर्म भरेगा उसमें भी खर्चा होगा सरकार का भी एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन ये बैठे पांचवी फेल कुर्सी पे क्या समझ आएगा उन्हें अब एल बराबर में टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन लॉग ई टीएम बाई टी एस बेटा देखिए डीएम कहलाता है म्यूचुअल जीएमडी म्यूचुअल का मतलब क्या है दूसरे से जीएमडी के फुल फॉर्म देखिए क्या है फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस ये भाई इसलिए क्योंकि फुल फॉर्म पूछी गई है एक दो ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस और डीएस का मतलब होता है यहां जे अब जीएमआर की फुल फॉर्म होती है देखो फुल फॉर्म है भाई इसलिए हिंदी मैंने लिख रहा हूं इसे ज्योमेट्रिकल मीन रेशियो होती है ना ज्योमेट्रिकल मीन क्या जोमेट्रिक जी ज्योमेट्रिकल मीन रेशियो ही होती है रेशियो है रेशियो इसमें जब हम लाइन के लिए लिखेंगे DM बराबर है डी यानी बीच की दूरी देखो बीच की दूरी किस तरह से लेनी है, ही है। वैसे फेंके जा रहे हैं लिखाया ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा रेशियो ही है देखो अबे कर लो फिर रेशियो यहां देखो ये अगर मान लिया कोई कंडक्टर है डीएम का मतलब देखो क्या है हमने क्या लिखा है म्यूचुअल का मतलब है किसी अन्य तार से तो अन्य तार यहां पर बी है तो इससे जो ये दूरी है बीच की दूरी इसे नाम दे दिया हमने डीएम ठीक है जी डीएम बराबर क्या लिखना है डी लिखना है और बेटा डी एस का मतलब होगा इसके स्वयं के त्रिज्या के आधार पर रेडियस के आधार पर तो डीएस का मान लिखना है हमेशा दशम लो सेवन सेवन एट एट आर देखो इंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला पूछता है तो ये हमारा फॉर्मूला लिखने का एक रूप है एल बराबर टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन फोर प्लस दूसरी चीज लंबाई से समानुपाती होता है पावर माइनस सेवन लॉग इ डीएम बाई डी एस लिख दिया अब जब भी आपको डीएम लिखना हो तो डीएम आप सेलेक्ट करेंगे बीच की दूरी को और डीएस आप सेलेक्ट करेंगे दशमलव आठ आठ आर को ठीक है भाई दशमलव सेवन सेवन एट एट आर मान लिया आपको रेडियस देते हैं कहें पांच सेंटीमीटर है और आपसे कहें कि सेल्फ जीएमआर ज्ञात कीजिए मीन्स डीएस का मान बताओ तो आप करेंगे दशमलव सात सात एट, एट एट आर आपको जैसे बीच की दूरी दे दें कि पांच या दस सेंटीमीटर पर दो चालक रखे गए हैं आपको कहें कि म्यूचुअल जीएमडी ज्ञात कीजिए तो म्यूचुअल जीएमडी इनके बीच की दूरी है और जब भी आपसे कहें मीन डी एस तो दसमलो सेवन सेवन एट एट आर और दसमलो सेवन सेवन एट एट आर पर न्यूमेरिकल छोटा सा बन सकता है ये इतनी बड़ी चीज नहीं है तो बेटा जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इंडक्टेंस का तो हमने ये ध्यान में रखा है कि इंडक्टेंस के फॉर्मूले में दो चीजें आई हैं एक है हमारा डीएम और एक है देखिए डीएस फिर से देख लो डीएम को लिखते समय हम ध्यान देंगे बीच की दूरी और डीएस को लिखते समय हम ध्यान देंगे दसमलो सेवन सेवन एट एट आर आर क्या है त्रिज्या और बीच की दूरी क्या है डी है तो ये होता है इंडक्टेंस को लिखने का तरीका देखो जी आप एक कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ते होंगे ट्रांसपोजिशन देखो ट्रांसपोजिशन का रियल मतलब क्या है बेटा ये जो इंडक्टेंस नामक बीमारी है बीमारी क्या मजबूरी कहीं इसके बिना पावर ट्रांसफर हो भी नहीं सकते इसके कारण नजदीकी जो ट्रांसमिशन लाइन के जितने नजदीक में दूर संचार लाइन है इसमें इंटरफेरेंस भी होता है कई बार आप जो बड़ी छोटे ट्रांसमिशन लाइन भी फोन पे बात करते हुए निकलना है इसके नीचे को आपके चिड़ 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 ऐसी आवाज होगी जबकि ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़ा होकर फोन पे बात करना बहुत रिस्की है तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है इफेक्ट करती है तो इंडक्टेंस के कारण नजदीकी दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस भी होता है आप क्या यह बता सकते हैं कि अगर लाइन का इंडक्टेंस अलग अलग हो तार का इंडक्टेंस अलग अलग हो तो क्या तार का प्रतिघात भी अलग अलग होगा भाई एक्सएल बराबर टू पाई एफ एल होता है या वो मेगा एल होता है तो प्रतिघात अलग अलग लिखाऊंगा पहले सुन लो अगर प्रतिघात अलग अलग है बेटा तो क्या वोल्टेज और वो ड्रॉप अलग अलग होगा अच्छा जी अगर वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है एक में एक वोल्ट है एक में डेढ़ एक में दो है तो यदि आप एक तरफ से समान वोल्टेज भेजें तीनों में आपने बीस 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 वोल्ट भेज दी तो क्या आपको समान वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी क्यों एक में से एक घटेगा एक में से डेढ़ घटेगा एक में से दो घटेगा तो बेटा यदि लाइन का अलग अलग तार का इंडक्टेंस अलग अलग हो जाए तो सेंडिंग एंड पर सेंडिंग एंड मतलब जो जनरेटिंग एंड होता है बेटा जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं सेंडिंग एंड से बैलेंस सप्लाई भेजने के बावजूद भी हमें अनबैलेंस असंतुलित वोल्टेज प्राप्त होती है तो इसी बीमारी को दूर करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन में आपको जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ ट्रांसपोजिशन में क्या करते हो आप कहेंगे कि एक निर्धारित दूरी के बाद में चालकों की अवस्थाएं बदल देना पोजिशन बदल देना तो आपको यहां पर यह सीखना है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी कि ट्रांसपोजिशन ये क्या है तो हम लोग कहते हैं यदि लाइन के चालक असमान दूरी पर रखे हों दूरी पर रखे हों तो प्रत्येक तार का प्रेरक तो अलग अलग होगा तथा तो प्रत्येक तार में प्रतिघात भी अलग अलग होगा प्रतिघात भी अलग अलग होगा जिसके कारण संतुलित वोल्टेज भेजने पर भी असंतुलित वोल्टेज असंतुलित वोल्टेज प्राप्त असंतुलित वोल्टेज प्राप्त होती है जैसे कि हमें बेटा ये दिया है देखो ये तीन तार है जिसमें ये डी वन दिया है ये डी टू और ये डी थ्री ए बी और सी बेटा ठीक है जी यदि बेटा डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री हो यानी कि चालक समान दूरी पर रखे हो चालक समान दूरी पर रखे हो इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल या एक समान सिमेट्रिकल स्पेसिंग इसका मतलब है एक समान दूरी पर रखे गए हैं सिमेट्रिकल का मतलब यह है क्या यदि चालक समान दूरी पर रखे हो तो बेटा सिमेट्रिकल स्पेसिंग है इसमें ट्रांसपोजिशन की कोई जरूरत नहीं सिमेट्रिकल हम लिखेंगे इसमें इसमें ट्रांसपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें ट्रांसपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है अगर बेटा D1 वन इज नॉट इक्वल डी टू यानी कि असमान है ना बीच की दूरी समान है सवाल लिख दिया कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रत्येक चालकों के बीच की दूरी समान है इसे कहते हैं सिमेट्रिकल स्पेसिंग अगर असमान दूरी है तो इसे कहा जाता है अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए ही ट्रांसपोजिशन करते हैं ट्रांसपोजिशन करते हैं अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए ही हम ट्रांसपोजिशन करते हैं जी चले भाई लिख लिया आगे बढ़े चले भाई अब तो थोड़ा गति से लिखो हाँ जी ट्रांसपोजिशन क्यों कर रहे हैं समान वोल्टेज यानी कि बैलेंस वोल्ट प्राप्त करने के लिए ना इसलिए तो कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन लिख भी दिया यार देखिए देखिये ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजिशन में मुख्य उद्देश्य संतुलित या बैलेंस वोल्टेज प्राप्त करना है प्राप्त करना है इसमें कुछ दूरी के बाद इसमें कुछ दूरी के बाद प्रत्येक चालक की अवस्था कहें या कहें पोजीशन बदल देते हैं जिससे पूरी लंबाई के लिए पूरी लंबाई के लिए बीच की दूरी का बीच की दूरी का औसत बराबर लगभग बराबर आ जाता है लगभग बराबर आ जाता है देखो कैसे देखो इनकी अवस्थाएं बदलते हुए जा रहे हैं जो अभी नजदीक थे उन्हें नेक्स्ट वाले में दूर कर दिए तो जब इनके बीच की दूरी का हम औसत निकालेंगे ना तो लगभग बराबर आएगा तीनों का तो ये होता है जी स्पेसिंग को बराबर करने का एक तरीका जिसे हमने कहा जी ट्रांसपोजिशन करना ठीक है भाई तो इसमें देखिए हम लोग ये कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन करने से ट्रांसपोजिशन करने से नजदीक वाले दूर संचार लाइन में यस इंटरफेरेंस भी इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है ट्रांसपोजिशन करने से नजदीक वाली दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है बना लीजिए बना लिया भाई ये अब इसको जरा एक बार पढ़िए इंडक्टेंस वाले को पूरे को एक बार पढ़िए रेडियस से प्रभावित क्या है अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएस या डीएम में से रेडियस से प्रभावित क्या है तो आप क्या कहेंगे डीएस यानी कि जिसे हमने सेल्फ जी एम आर लिखा और बीच की कंडक्टर की बीच की दूरी से प्रभावित क्या है जीएम डी ठीक है भाई जिसे हमने डीएम लिखा है आगे बढ़ा जाए फिर चले भाई आगे अरे तुम्हारे वो मैं सुबह सुबह तुम ऐसे शाम को तो तुम बड़े अच्छे से ऊर्जा के साथ रहते हो तो सुबह सुबह ऐसे क्यों सुबह तो बल्कि और ज्यादा अच्छे से फ्रेश होना चाहिए मूड सुबह नहीं होता नहीं ये तो तरोताजा दिखता है मुझे ये कह रहा है कि ना आज सुबह सुबह क्लास निबट जाती है एक दो चैप्टर तो बड़ा अच्छा रहता है दिन भर पढ़ने को भी मिल जाता है टाइम यूटिलाईज हो जाता है नहीं तो अगर इस समय क्लास नहीं होती तो तुम इस समय सो रहे होते ठीक है चले नेक्स्ट है सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए क्या सोमवार को नंबर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मंगलवार को नंबर लगाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या एक दिन का मतलब सुबह शाम ठीक है जी दो शिफ्ट होती है यहाँ मोहन और सोहन बाबू की तरह ये नहीं कि पेड कोर्स में ले ली डेढ़ घंटे की क्लास और हो जाएगा साठ दिन में सिलेबस मोहन बाबू सोहन बाबू जानते हो ना हाँ तो ये नहीं है कि डेढ़ घंटे की क्लास में खिचड़ी पकाया और चल गया काम अभी सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि साठ दिन भी अगर जैसे साठ दिन में तब खत्म हम लोग कर पाएंगे हम तो खैर चालीस पचास में लपेट देंगे तब हो सकता है नहीं देखो मैं डायग्राम बनाने का समय बचा रहा हूं जो बड़े डायग्राम होते हैं ना जिनमें समय लगता है दस पंद्रह मिनट तो वो समय की मैं बचत करता हूं मैं पहले से पीपीटी के रूप में बना के लेके आता हूं डायग्राम को तब जाके अगर नहीं तो एक, -एक टॉपिक ऐसा है कि इसमें जितना मर्जी मैं समय दे सकता हूँ जैसे पूरा मशीन ही है अपना सौ घंटे तक अपना लिखते रहो लिखते रहो जितनी मर्जी पहले इनको कराया तो मैंने खूब अपना पढ़ाता रहा इनको अपना लेकिन जब तब है वो जब पेपर नज़दीक नहीं होता चीज़ें सब वही है बल्कि इससे थोड़ा बहुत और बढ़ा देता हूं मैं हर बार लेकिन यहाँ हम लोग समय को प्रॉपर अपना ये लेकर चल रहे हैं कि भाई ज़्यादा समय हमारा लिखने में ख़राब ना हो ज़्यादा समय हमारा टाइग्राम बनाने में खराब ना हो आप लोगों को भी थोड़ा सा फास्ट मोड में बोल रखा कि थोड़ा जल्दी से लिखो घर जाके फिर इसे एक बार रिवाइज कर लो फिर देखो किताब बंद करके जो नोट्स हैं उनको बंद करके अपने दिमाग में, में मेमोराइज करो कि मुझे कितनी चीज़ें याद है आईटीआई के एग्ज़ाम पास करने के लिए सत्तर प्रतिशत चीज़ें याद रखनी है तीस प्रतिशत समझनी है ये फैक्ट है बल्कि सत्तर से भी ज़्यादा क्योंकि जहाँ दिमाग लगाने का काम आ गया तो माँ पिछड़ जाओगे तो याद रखना चीजों को ज्यादा जरूरी है आप लोग एक तरीके से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव से रियल जो नॉलेज होती है ना उसका ज्ञान ही नहीं है पता ही नहीं ये जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाई है तो रिवाइज करके नोटबुक को बंद करके लिख के देखो तुम्हें तुम कितनी चीजें लिख पा रहे हो अगर लिख पा रहे हो तो तैयारी सॉलिड है और नहीं लिख पा रहे हो तो फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से खोखली तैयारी है फिर कहीं भी फंस जाओगे देखो जी सिंगल फेस टू वायर लाइन के लिए बेटा हमें कैपेसिटेंस लिखना है ये टू वायर लाइन है इसका बेटा रेडियस आर है और बीच की दूरी डी है ठीक है भाई देखो यहां बेटा दो तरीके से हम कैपेसिटेंस लिखते हैं ये है न्यूट्रल ये भी तो जरूरी है न्यूट्रल का मतलब होता है अगर हम किसी एक कंडक्टर के लिए लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं फेज तो फेज का मतलब याद हो फेज का या फेज न्यूट्रल का है, एक ही बात होती है एक कैपेसिटेंस तो आपको बनता हुआ ये दिखेगा जिसे आपने सीएबी कहा एक कैपेसिटेंस तो आपको ये दिखा ना सीएबी सीएबी का मतलब है कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में और एक कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है बेटा कंडक्टर से न्यूट्रल के बीच में ठीक है जी तो दो चालकों के बीच कैपेसिटेन सी ए बी बराबर में पाई एफ सिलो लॉग ई डी बाई आर फ़ेरड पर यूनिट लेंथ इसका मतलब है एक मीटर लंबाई के लिए फेरड पर यूनिट लेंथ इसे कई बार आप ये भी लिख सकते हो फेरड पर मीटर यानी एक मीटर लंबाई के लिए अरे फेरड पर मीटर कभी तुम परमिटिविटी समझ बैठो इसका मतलब है एक मीटर लंबाई के लिए हाँ हवा में कहा से तार कहा टंगे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन कहाँ होती है और हवा में एप्सिलोन आर का मान कितना होता है तो हम क्यों लिखें तो ये हमें मिल गया जी दो तारों के बीच में कैपेसिटेंस लिखने का तरीका हमेशा याद रखिए कैपेसिटेंस भी बेटा लंबाई के समानुपाती होता है ये लंबाई के समानुपात रहेगा कैपेसिटेंस भी आर एल सी आप तीनों ले लीजिए तीनों के तीनों आपको लंबाई के समानुपाती ही मिलेंगे अच्छा देखिए अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका यह भी है सी ए बी बराबर में पाई एफ सिलो नोट लॉग ए डी किसे दर्शाती है बीच की दूरी डीएम को और आर किसे दर्शाती है को तो लिखने का तरीका आप ये भी अपना सकते हैं ये किसके बीच है भैया कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में देखो कभी गलती मत करिएगा अब हम लिखते हैं किसी एक कंडक्टर व न्यूट्रल के पीच कैपेसिटेंस सी ए एन ये होता है इसका डबल टू पाई एफ नॉट लोग ई डी बाई आर फेरड पर मीटर लंबाई या सी ए एन बराबर में टू पाई एफ नॉट लोग ई डी एम बाई डी फेरड पर मीटर लंबाई गड़बड़ यहां हो जाती है बच्चा जब ढंग से पढ़ के नहीं जाता देखिए कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में पाई है और यहां जब एक कंडक्टर टू न्यूट्रल लिख रहे हैं वहां बस टू पाई है और कोई डिफरेंस तो नहीं है अरे इसमें पाई एफ सिलोन नॉट है इसमें टू पाई एफ सिलोन नॉट है ये कैपेसिटर लिखने का तरीका है जी न्यूमेरिकल कुछ जीरो सिर्फ फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी इसलिए क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है टिक लगाने को कि टू है या फिर पाई अपसे bye हो गया भ तो ये बताओ आर एल सी दूरी के साथ क्या रिलेशन रखते हैं तीनों समानुपात कौन कौन से चार पैरामीटर है आर एल जी और सी ज में कौन कौन से पैरल में और जी हाँ, ठीक है इंडक्टेंस का फॉर्मूला टू तो इंटू टेन की पावर वन सेवन ब्रैकेट वन बाई फोर प्लस लॉग लोगे डी बाई को दूसरा रूप दे दिया टू तो इंटू टेन की पावर माइनस सेवन लोगे डी एम बाई डी एस डीएम का मान क्या लिखेंगे बीच की दूरी और डीएस दसमलव सात सात आठ 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 हाँ ठीक है इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है सॉलिड का था होलो वाले में दसमलो सात सात नहीं आता लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ाते तुम्हें चलते देखिए जी हाँ ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं समान वोल्टेज या कहें कि वोल्टेज ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए अच्छा ट्रांसपोजिशन करते कैसे हैं कुछ दूरी के बाद में इनकी पोजिशन को चेंज कर देना ट्रांसपोजिशन करने से दूर संचार लाइन के साथ में इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है चले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पंडल कंडक्टर कंडक्टर है भाई है ना कभी ट्रांसमिशन लाइन में रास्ते रास्ते में कभी ऐसा देखा है कि एक रिंग सेप चाहे जिसमें दो कंडक्टर हो तीन हो या चार हो छह हो आठ हो देखा है ट्रांसमिशन लाइन में नहीं देखा तो एक वीडियो देख लेना मेन चैनल पे ईडी पे हमारी एक वीडियो है नहीं देखा है तो एक ही ये अलग अलग फेज नहीं है आप देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन में अरे यार ये तो कई सारे कंडक्टर है तो ये अलग अलग फेजेस नहीं है एक ही फेज में एक से ज्यादा कंडक्टर्स का यूज कर रहे हैं देखो जब हमें लो पावर ट्रांसफर करनी होती है तो एक कंडक्टर से काम चल जाता है लेकिन उच्च यानी कि हाई पावर ट्रांसफर करने के लिए एक ही फेज में एक से ज्यादा चालकों का इस्तेमाल करते हैं और इसी को कहते हैं बंडल कंडक्टर ठीक है जी ये एलुमिनियम के बने होते हैं ये कहलाते हैं स्पेस देखो हम लोग कहते हैं उच्च पावर क्या कहेंगे भाई उच्च पावर एक ही तो फेज है ना आपस में हो भी गए तो कोई वो नहीं एक ही फेज है ये उच्च पावर ट्रांसफर करने के लिए एक ही फेज में एक से अधिक कंडक्टर्स करते हैं तथा इसी अवस्था को बंडल कंडक्टर कहते देखो बाबू पहले तो एक यही रेडियस है अब तो हो गए सब एक साथ ज्यादा हो गए ना कंडक्टर तो रेडियस बढ़ जाती है बंडल कंडक्टर यूज करने से सेल्फ जीएमआर यानी कि डीएस जाता है सेल्फ जीएमआर बढ़ गया अब आ जाओ बंडल कंडक्टर यूज करने के फायदे यूज करने के फायदे देखो भाई एक बात बताना एल समानुपाती है लॉग a डीएम बाई डीएस के बच्चों अरे डीएस को बढ़ा दो डीएस को बढ़ा दो कि एल मान कम होगा भाई डीएस के साथ तो वेत कर है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं देखे परेरक्तव कम हो जाता है परेरक्तव अगर कम होगा तो दूसरा नजदीकी नज़दीकी ट्रांसमिशन लाइन से इंटरफेरेंस कम हो जाता है नज़दीकी ट्रांसमिशन लाइन से इंटरफेरेंस कम हो जाता है देखो बेटा सी जो होता है ये होता है log a dm बटे ये तो एक बटे ए, है अगर ये घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ेगा तो बंडल कंडक्टर यूज करने से धारिता बढ़ जाती है भाई बच्चों आपने बंडल कंडक्टर को यूज क्यों किया है पावर ट्रांसफर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए तो पावर पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ जाती है यार एक बात बताओ डीएस बढ़ने का मतलब है रेडियस बढ़ गई त्रिज्या बढ़ने का मतलब है व्यास बढ़ गया व्यास बढ़ने से कोरोना लॉस कम हो जाता था तो कोरोना लॉस कम हो कोरोना लॉस कम हो जाता है देखो कोरोना लॉस से संबंधित यहां भी चीजें लिखेंगे एक होता है होलो कंडक्टर तो बीच में से खोखला होता है होला कंडक्टर यूज करते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज यूएचएफ का मतलब एप का मतलब है अल्ट्रा हाई वोल्टेज एक होता है बंडल कंडक्टर ये होता है बेटा इ एच वी लाइन में जैसे एसीएसआर की बात कर रहा हूं मैं कंपोजिट तो ये होता है जी हाई वोल्टेज बंडल कंडक्टर यूज करने का प्राथमिक उद्देश्य है पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ जाना लाइन का बंडल कंडक्टर यूज करने से जो प्रभावी रेडियस है त्रिज्या है, वो बढ़ जाती है इसका मतलब है डी एस का मान बढ़ गया डीएस का मान बढ़ने का मतलब है एल का मान कम होना ये ऑब्जेक्टिव आते हैं बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करने से डी एस के मान बढ़ता है तो एल का मान कम होगा कैपेसिटेंस का मान ज्यादा होगा नजदीक वाले ट्रांसमिशन लाइन से इंटरफेरेंस कम होगा पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ेगी और कोरोना लॉस कम होगा और यह इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूछेगा उच्च वोल्टेज मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज सात सौ पैंसठ के भी साढ़े आठ सौ के भी है नहीं नहीं इसके अलावा क्या है ऐसे सी यार भाई सबने चलो जी नेक्स्ट लिखेंगे स्किन इफेक्ट ये बड़ी जरूरी चीज है ट्रांसपोजिशन करना बंडल कंडक्टर कॉन्सेप्ट स्किन इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट फेरेंट इफेक्ट ठीक है जी पांच चीजें हैं बड़ी खास है ये देखो स्किन इफेक्ट में बेटा जब हम लोग डीसी सप्लाई लेते हैं तो डीसी सप्लाई में कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया जिम्मेदार होता है करंट फ्लो कराने के लिए पूरा क्रॉस सेक्शन है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं आएगा लेकिन जब हम लोग एसी के, के केस में देखते हैं तो एसी के केस में आप ये देखते होंगे बेटा कि जो सतह है यानी सरफेस है कोर से बहुत कम करंट और ज्यादातर जो करंट है ये कर रहा है जी सतह से और ये ये हमने दिखा दिया जी कोर कोर मीन सब अंदर वाला हिस्सा तो देखो जी ये केस है डीसी के लिए और ये है ऐसे के लिए हम ये कहते हैं कि डीसी में चालक का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल अप्रस्थ क्षेत्रफल धारा को फ्लो कराता है यह धारा पूरे प्रस्थ क्षेत्रफल से बहती है देखिए बेटा जड़ यह है कि आवृत्ति के कारण आप यही तो पढ़ते हो कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक की लाइन है वो किसी भी कंडक्टर के वो सेंटर से जाती है ठीक है भाई तो यहां कोर पर हमें देखने को मिलेगा उच्च मैग्नेटिज्म, या चलिए उच्च प्रेरकता लिख लीजिए अगर कहीं प्रेरकताव ज्यादा हो जाए बेटा एल का मान अगर ज्यादा हो जाए तो यार एक्सएल बराबर में टू तो पाई एफ एल तो अगर एल का मान ज्यादा तो एक्सएल भी ज्यादा बेटा अगर एक्सएल ज्यादा तो देखिए प्रतिबाधा लिखिएगा प्रतिबाधा जेड बराबर में आर स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर तो हम कहते हैं कि प्रतिबाधा के अधिक होने के कारण ज्यादातर धारा सतह से बहती है ज्यादा धारा कहां से बहेगी सतह से हम क्लियरली कह रहे हैं ना कि आवृत्ति से प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं देखो याद रखिएगा जो इसके इफेक्ट होता है स्किन इफेक्ट जो रहता है वो स्किन डेप्थ यानी कि गहराई जितनी ये गहराई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो ये डेप्थ है ये होती है अरे किसी भी कंडक्टर को ले लीजिए भाई इस कंडक्टर के जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गहराई है ना तो गहराई जो होती है वो समानुपाती होती है प्रतिरोधकता के प्रतिरोधकता मतलब रो ठीक है भाई तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि स्किन इफेक्ट जो होता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्योंकि सवाल बड़ा जरूरी है प्रतिरोधकता बढ़ा दी जाए तो स्किन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो कम हो जाएगा जी स्किन इफेक्ट इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू प्रतिरोधकता जब प्रतिरोधक तक है ठीक है जी अब देखते हैं इसकी परिभाषा एसी में धारा का सतह से होकर पहना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है ऐसे में धारा का सतह से होकर बहना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है ठीक है भाई हम ये कहें कि आवृत्ति के बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ेगा देखो इसमें यह भी लिखेंगे स्किन इफेक्ट के कारण चालक का प्रभावी चालक का इफेक्टिव जो प्रभावी प्रतिरोध प्रभावी प्रतिरोध घट जाता है मैं मटेरियल की नहीं मैं पूरे चालक की बात कर रहा हूँ दोस्त अगर बढ़ेगा तभी तो आप ये कहते हो कि एसी में ज्यादा प्रतिरोध होता है डीसी की तुलना में क्योंकि एसी में धारा को बहने की जो क्षमता है वो कम है डीसी से तो स्किन इफेक्ट के कारण चालक का प्रतिरोध प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है इसलिए याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध है एसी में वो हमेशा डीसी के प्रतिरोध से ज्यादा होगा ठीक है जी एसी में जो प्रतिरोध है वो डीसी के प्रतिरोध का हमेशा ज्यादा होगा हम कहते हैं आवृत्ति के पढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है चलो लिखो जी भाई ने यूज फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रीक्वेंसी के कारण स्किन इफेक्ट है स्किन इफेक्ट के कारण फ्रीक्वेंसी नहीं है उल्टा मत बोलो ना फ्रीक्वेंसी यूज करने की चीज थोड़ा ही है फ्रीक्वेंसी तो जनरली पावर स्टेशन से आ रही है ना 50 हर्ट्ज वाली या अगर हम उच्च आवृत्ति वाले व्यवस्था को लगाएंगे 50 के बजाय 100 कर दिया तो स्किन इफेक्ट उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा होगा बिल्कुल भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो स्किन इफेक्ट ज्यादा ही होगा ना ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा है हमने स्किन इफेक्ट के आवृत्ति के बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है कि भाई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम देख सकें अदरवाइज जब हम पावर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम तो फिफ्टी हर्ट पे डील करेंगे ये तो आपको कि देखो फॉर्मूला ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये बढ़ेगा आप ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि भाई आवृत्ति के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब बढ़ेगा ये ये कुल मिला के कम करें इसे अरे कम करोगे कैसे करोगे है कोपर का करें हा लेकिन खोखला इस्तेमाल करने से नुकसान ये भी तो है ना पावर ट्रांसफर करने की क्षमता घट जाएगी ना ओलो कंडक्टर में स्किन इफेक्ट नहीं होता है अरे भाई जब बीच का हिस्सा ही काट दिया तुमने जब इंडक्टेंस नहीं सेंटर में तो अब क्या होगा प्रभाव ही नहीं आएगा कुछ लेकिन वही ओलो में पावर ट्रांसफर करने की एक लिमिटेड क्षमता है हाँ हाँ लिख लिया भाई ये पढ़ना जरा बोर्ड पे क्या क्या चीजें लिखे भाई प्लास्टिक ना चबा पढ़ो पढ़ो समाप्ति की तरफ चल रहे भाई पावर सिस्टम समाप्त होने की तरफ चल रहा है अंडरग्राउंड केबल है बस जो बड़ा टॉपिक है आज अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता भी है तो हम कल पढ़ा देंगे तुम तुम्हें आने की जरूरत नहीं जो काम दिया जाएगा उस पर लगे रहना अगर कुछ छोटा मोटा चीज बचेगी भी आज तो हम कल पढ़ा देंगे लेकिन हमें सोमवार से नया विषय स्टार्ट करना है अरे उड़ा देगा चिंता ना कर दो पता नहीं क्या चलेगा हाँ तभी तो बोल रहा हूं मुझे खत्म करना है भाई ये हो गया भाई देखो जैसे ये बीमारी है ना स्किन इफेक्ट स्किन इफेक्ट से आप क्या समझे कि चाल एक ही कंडक्टर है लेकिन इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग धारा बह रही है इसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग धारा बह रही है सेंटर में बहुत कम है और सरफेस पर ज्यादा है इसी प्रकार से बेटा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी है बंद हो जाएगा इससे तो रुक जा क्या अब ठंडी लग रही हम चाय पी रहे हैं ना देखो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बेटा स्किन इफेक्ट की तरह ही होता है इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिज्म ही जिम्मेदार है देखो ट्रांसमिशन लाइन में भाई आप यही व्यवस्था तो देखते हैं कि भाई ये दो कंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन में या तो भाई दोनों में समान दिशा में धारा जा रही होगी है जी या दोनों में असमान दिशाओं में धारा होगी भाई अगर सिंगल फेज की हम बात करते तो ऐसे आ जाता वापस यही तो दो व्यवस्थाएं हो सकती है तो समान दिशा में होगा या असमान होगा अब आपको हम बताते हैं एक होता था, था थंब रूल लिक्स रूल भी कहते हैं जिसे जिसमें कहा जाता है कि यदि आप चालक को अपने हाथ में इस प्रकार से पकड़ें अंगूठा ये धारा की दिशा में हो तो ये उंगलियां है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगे यही तो था अच्छा जी तो हमने भैया काम कर लिया कि हमने इन चालक को कुछ ये प्रदर्शित कर लिया ठीक है भाई बच्चों और इन चालकों पर जब हमने यानी यही कंडक्टर को जब हमने कहा तो हमने कहा यार इसमें तो करंट ऊपर की तरफ है ना तो हमने कहा इसमें क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम लोगों ने यहां से काम किया दोनों में समान दिशाओं में है मैग्नेटिक फील्ड अरे समान दिशाओं में है देखो जी हमने ये कहा कि देखो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है ये दिख रहा है कुछ इस तरह से दूर बना दिया बेचारा इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है नहीं होता यार इन कंडक्टर के एक हिस्से पे जो ये वाला हिस्सा है इन दोनों का इसपे मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा लाइनें दिख रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा लाइनें जैसे इनका इक्वलेंट खींचने लगे वहां इक्वलेंट देखिए ये बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स यहाँ गई और यहां जाते ही से ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन समान दिशा में मिले फिर दूसरे वाली लाइन मैं बात कर रहा हूं यहाँ के देखो कंडक्टर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें सबसे ज्यादा है। ठीक है अब यार मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ज्यादा होने का मतलब है चुंबकत्व ज्यादा और चुंबकत्व का तात्पर्य हुआ करता है इंडक्टेंस से सूत्र क्या था इंडक्टेंस का एन n5/i चुंबकत्व का मतलब है फाइ से तो फाइ ज्यादा तो इंडक्टेंस ज्यादा फिर वही स्किन इफेक्ट को याद करिए अगर ज्यादा है इंडक्टेंस ज्यादा तो प्रतिबाधा ज्यादा तो तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि ये वाला हिस्सा दोनों चालकों में ये वाला हिस्सा बेचारा ऐसा है जिसका इंडक्टेंस या प्रतिबाधा ज्यादा आई इस तरफ का और बाकी से अपना धारा बह रही है बाकी से ज्यादा धारा बह रही है लेकिन ये जो मैंने रेड दिखा है इससे अपना कम धारा बह रही है तो एक ही कंडक्टर के अलग अलग हिस्से में दो अलग अलग प्रकार की धारा जो ये ये दिखाया इसमें कम और इधर वाले में ज्यादा ये कहलाता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट बेटा दोनों एक जैसे हैं एक के सेंटर पर था मामला इसके किसी भी एक हिस्से में है अगर हम जैसे ना विपरीत डायरेक्शन में ले लेते हैं अगर हम बेटा ये कहते हैं कि इस पर जो करंट या मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसा है दूसरे पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो तब हम ये कहते हैं कि देखो जी अब ये वाले हिस्से से कम होगा लेकिन होगा जरूर ठीक है जी तो हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण चालक के एक हिस्से पर अधिक चुंबकीय रेखाएं होती है तथा वहां प्रेरकताओं ज्यादा होता है प्रेरकता ज्यादा होने के कारण प्रतिबाधा अधिक होती है था चालक के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धारा बहती है और इसे ही प्रोक्सीमिटी प्रभाव कहते छापो जी से जल्दी से लिख दिया नेक्स्ट वीक में हम आपके ये जैसे ये होते हैं ना प्रिकॉशंस आग के अलग अलग प्रकार टूल्स ये निपटा लें और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजिटल और पावर uh, इलेक्ट्रॉनिक्स ये नेक्स्ट वीक का टारगेट है वहाँ सोल्डरिंग वोल्डर छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इन्हें खत्म कर लें हो गया चले आगे नहीं कर सकते मजबूर है छोटे में तो कर लेते हैं छोटे लाइनें वाइने ना जैसे उसमें हम लोग बना लेते हैं। में करने के लिए बहुत जैसे डिवाइसेस इक्विपमेंट होते हैं तो उसमें तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं इसमें हम लोग करेंगे एक टॉपिक है बेटा लोड फ्लो एनालिसिस नया टॉपिक है कोई जिक्र भी नहीं करता एक हो भी सकता है देखिए बेटा लोड फ्लो का मीनिंग ये है कि किस समय हम लोग किस पावर प्लांट को चलाएं और कितना लोड चलाएं कि हमें वो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सस्ता पड़े ये था जनरली लोड फ्लो का तो जब हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास में बेटा पूरे एनालिसिस में चार बेसिक क्वांटिटी है पी। एक्टिव पावर क्यू रिएक्टिव पावर वोल्टेज मैग्नीट्यूड अरे वोल्टेज का मान ट्रू पावर भी कहते हैं एक्टिव पावर को एवरेज पावर भी कहते हैं ये हमारी रिएक्टिव रिएक्टिव को क्या आभासी शक्ति अप्रेंड को अप्रेंड को आभासी इसको प्रतिघात घात वाले बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है बेटा डेल इसे कहते हैं हम लोग लोड एंगल पावर एंगल ठीक है भाई तो बेटा हम पूरे पावर सिस्टम को चाहे जनरेट करने की बात करें चाहे लोड को जोड़ने की बात करें हम लोग पूरे पावर सिस्टम को तीन अलग अलग बस में डिजाइन करते हैं हमारे पास बेसिक तीन प्रकार की बस है अरे ये नहीं एक महिंद्रा की एक टाटा की ऐसे नहीं मतलब बस इलेक्ट्रिकल वाली बस बार बसेस एक होती है लोड बस एक होती है जनरेटर बस और एक होती है स्लैग बस जो स्लैग बस है बेटा इसी को हम लोग रेफरेंस बस के नाम से भी जानते हैं आज कौन कौन सी हो गई जी लोड बस जनरेटर बस रेफरेंस या स्लैक बस हमारे पास में 85 परसेंट एट्टी परसेंट लोड बस होती है अरे जनरेटर तो कम है ज्यादातर तो लोड ही जुड़े हुए हैं तो लोड हमारे पास ज्यादा है और पंद्रह परसेंट हमारे पास में है जनरेटर बस अब आपको लग रहा होगा ये क्या है बेटा ये रेफरेंस बस है इसकी कोई काउंटिंग या संख्या नहीं है अरे जैसे नीचे हम के में रेफरेंस नोट लिया करते थे तो वो रेफरेंस है हमारे लिए देखो लोड बस पर दो क्वांटिटी स्पेसिफाई की जाती है और इनका इस्तेमाल करके दो निकाले जाती है तो ये पूछता है कि लोड बस पर कौन कौन सी इकाई या क्वांटिटी स्पेसिफाई की जाएगी देखो लोड बस पर पी व क्यू पी व क्यू का मतलब क्या है एक्टिव और रिएक्टिव पावर यहां किनको तो माना गया है स्पेसिफाई किया गया है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर जनरेटर बस पर पी व वोल्टेज का मैग्नेट्यूड पुराने साल के पेपर उठा के देखना ना दो सवाल मार दिए सिर्फ पांच मिनट की क्लास से सिर्फ जो बोर्ड पे लिखी गई चीजें ना इनका इस्तेमाल करके पुराने ईयर के पेपर उठा के प्रैक्टिस करना दो सवाल इस पांच मिनट की क्लास में कर लोगे रेफरेंस बस पर दो क्वांटिटी होती है बेटा एक वोल्टेज का मैग्नेटिव और एक रोटर लोड एंगल पावर एंगल या रोटर एंगल लोड एंगल और पावर एंगल ही लिखिए लोड बस पर सवाल देखिए क्या क्या सवाल है <coughs> ये पूरे पावर सिस्टम का सबसे मुश्किल टॉपिक होता है दोस्त लोड फ्लो एनालिसिस मतलब ये मानो आपको हमने इसका जो चीजें बताई है ना ये बस नाम है लोड फ्लो का नहीं तो ये दसमलव जीरो वन भी नहीं है फ्लो का लोड फ्लो एनालिसिस में बेटा याद रखिएगा चार क्वांटिटी है पूरे पावर सिस्टम में जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर वोल्टेज और एंगल अब मेरा नेक्स्ट सवाल होगा लोड बस पर किस किस क्वांटिटी को स्पेसिफाई या फिर माना जाता है आप कहेंगे है क्यों। फिर जनरेटर पर वोल्टेज यहाँ एंगल और वोल्टेज मैं कहूंगा पूरे पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा बसें किस तरह की होती है लोड बस लगभग 85 परसेंट तक होती है जनरेटर बस इसका कोई ऐसी संख्या नहीं है यही हो गया ना 100 प्रतिशत ये तो रेफरेंस बस है स्लैग बस को अन्य नाम हम रेफरेंस बस भी कहते हैं ठीक है जी इसे लिख लो और लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ सुमित बाबू यार वो तो खत्म हो गया सामान जो तुम देखे आए थे हाँ हमारे गुरुजन इतने खतरनाक है हमें बच्चों ने चॉकलेट दी हमें पता नहीं हमें हमें सामान को पहुंचने भी नहीं दिया घर तक पहले चॉकलेट वगैरह मैं खाता भी नहीं बोल रहे कि इसे खाली करके इसमें बढ़िया सा कलरफुल पानी भर के हम डेकोरेट करके रख देंगे वह चलो बढ़िया आप देखिए बेटा यहां लोड फ्लो एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हम लोग एक निकालते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स और एक होती है इंपीडेंस मैट्रिक्स तो पूरे लोड फ्लो को एनालिसिस करने के लिए हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स से लेते हैं हम कौन से मैट्रिक्स का यूज करते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं वाई बस हम यूज करते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स का अलग अलग मेथड है हमारे पास में लोड फ्लो को स्टडी करने के लिए एक होता है गॉस सिडल मेथड एक होता है न्यूटन रॉपसन मेथड एक होता है फास्ट ट्रिकपल्ड ट्रिकपल्ड मेथड और सेडल मैथड न्यूटन ऑप्शन फास्ट डी कपर्ड मैथड चलो जी चैप्टर ये टॉपिक हमारा हो गया समाप्त इनसे सॉल्यूशन करते लोड फ्लो का बेटा किसी भी बस पे करंट को नहीं लिया करंट स्पेसिफाइड नहीं है कौन कौन सी है चार ही क्वांटिटी है जो चार का ही खेल है सब है हाँ चार का ही खेल है पढ़ लो यार जितना हो सके मेहनत कर लो नाम खराब मत कर देना बस तो बार बार बोलता हूँ इंसान को इंसान के पास में नहीं करने के बहुत सारे कारण होते हैं बहाने बहुत सारे होते हैं आज हल्का सा सर दर्द हो गया जी नींद ज्यादा आ गई मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का आज तो सर ने देखो ये चार चीज़ हिंदी में लिखा दी इंग्लिश में लिखा दी मैं नहीं पढ़ रहा तो नहीं करने के इंसान के पास बहुत सारे कारण हैं और कुछ करने के लिए इंसान को किसी भी छोटे मोटी चीज को कारण बना लेना चाहिए और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस दुनिया में अगर बेस्ट मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है तो वो मिल सकता है अपने पेरेंट्स अपने गुरुजनों से जब भी थकान लगे अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए कि आपने अपने घर वालों के लिए क्या कह सपने संजोए हैं या खुद के लिए क्या क्या सपने संजोए हैं उनको पूरा करोगे तो आपके लाइफ का जो जीने की वजह अब तक रही देखो जिंदा हर इंसान है लेकिन एक इंसान वो है जो अपने दम पर है कुछ बन के और एक इंसान है जो दूसरों के भरोसे पे है तो अपने दम पर कुछ करो और मैं हमेशा बच्चों को यह समझाता हूँ कि उस मोमेंट को देखकर रात दिन मेहनत करोगे जब ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे हाथ में होगा और जब तुम जाके अपने पेरेंट्स को इसे थमाओगे कि आपकी बचपन से अब तक की गई मेहनत का एक छोटा सा ये फल है तो अगर आप इस मोमेंट को देखकर महसूस करके मेहनत करने लग जाए तो किसी को थकान का मतलब ही नहीं यार और फिर भी कोई कह रहा है जी बहुत थकान लग रही है तो इसका मतलब यह है कि इसने रियलिटी को जाना ही नहीं उसने इन चीजों को देखा ही नहीं कि सर्दी हो रही भाई पिताजी चप्पलों में घूम रहे टूटी हुई में लेकिन बच्चे को जूते पहना रखे क्योंकि माँ बाप अपने आप को कितना भी दिक्कत में रख लेते हैं लेकिन अपने बच्चे को बिल्कुल फिट देखना चाहते हैं भाई चाहे उनके पास कपड़े हो ना हो लेकिन अपने बच्चे को ट्राई करते हैं कि नहीं अच्छी जगह जा रहा है भाई बाहर जा रहा है तो उसे कोई दिक्कत ना हो अच्छे कपड़े भी दिलवाएंगे जूते भी चप्पल भी रहने का खाने का सब अवस्था है आप लोग बाहर रह रहे हो या कोई इवन घर में भी रह रहा हो तो वो तब भी महसूस करता है कि माता पिता कभी नहीं चाहेगा कि यार अपने आप हिरो और बच्चे को बिल्कुल ऐसा बना दिया हमेशा ट्राई करता है कि यार अपने आपके अपने अरमानों को मार लूँ लेकिन मेरा बच्चा बहुत अच्छा रहे जबकि मेहनत करिए शाम को मिलते हैं नया टॉपिक के साथ में और ये है बिल्कुल जोश तो हमेशा हमारा तो नया ही रहता है तुम अपना देख लो भाई कनेक्टिविटी <laughs> हाँ कॉपर पहले एलुमोनियम करते हैं हाँ दोस्त अरे क्या हाल चाल है दोस्तों अंकित मिश्रा जी यार शांति रखा करो आपसे ज्यादा मुझे चीजें पता अच्छा अच्छे बताओ इसीलिए कमेंट बंद रहते हैं Charlie thank you